नमस्कार दोस्तों, मैं हाँ थोड़ा दोस्त मनमोड़। यह अपने सामने जिहड़ा पंजाब नैशनल बैंक वालों आई जॉब रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं मेन जिहड़ी जानकारी है तुहानू इसकी दस दिना। जे तुसीं एलिजिबल हुंदे हो इस जॉब दे तां इस फॉर्म नू जरूर अपलाई कर दिओ। लोकेशन की गल करिए, पंजाब नैशनल बैंक विच आपां नू फाजिलका, फरीदकोट ते मुक्तसर जिलों विच इह जिहड़ी रिक्रूटमेंट की अनाउंसमेंट हुई है। टोटल पोस्टां की गल करिए, 26 टोटल पोस्टां ने। एज लिमिट की गल करिए दोस्तों, 18 तो 24 साल का कोई भी कैंडिडेट इसनों अपलाई कर सकता है, बट एससी एसटी वास्ते इस विच छूट है। जिवें कि एससी कैटेगरी तो जो कोई कैंडिडेट इस पोस्ट नूं अपलाई करता है तो 5 साल की छूट उसनों मिलती है, तो ओबीसी कैंडिडेट नूं 3 साल की छूट है, तो ओबीसी विकलांग है जिहड़े उन्हां नूं 13 साल की छूट है। तो क्वालिफिकेशन की गल करिए दोस्तों, 12वीं पास कैंडिडेट जिहड़ा भी है वह इस पोस्ट नूं अपलाई कर सकता है। तो सैलरी इत्थे इन्हां ने 14,500 तो लैके 28,145 तक सैलरी अनाउंसमेंट की हुई है। इतने आप चैक कर सकते हैं फाजिलका जिले की जिहड़ी जिहड़ी मतलब कैटेगरी के हिसाब नाल किन्नियां पोस्टां। फाजिलका जिले में एससी वास्ते जिहड़ी 4 पोस्टा ने, ओबीसी वास्ते 2 पोस्टा ने, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ने उन्हां वास्ते 1 ने, तो जनरल कैटेगरी की जिहड़ी 5 पोस्टा ने। टोटल 12 पोस्टा इतने इन्हां ने मैनशन की हुई है। एवें ही मुक्तसर जिले में आप नीचे चैक कर सकते हैं, इस तो बाद फरीदकोट जिले में आप चैक कर सकते हैं। हुण गल करी ना अप्लाई किवें करनी है पोस्ट। दोस्तों इत्थे इन्हां ने लिखा हुआ है कि इस फॉर्म के नाल नीचे ये जिहड़ा फॉर्म दिता हुआ है, इस फॉर्म के नाल अपने जिहड़े जरूरी डाकूमेंट ने जिवें 12th का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और एक जो भी पछाण सबूत हुंदा उसकी फोटोकॉपी नाल ला के सारी डाक द्वारा साधारण डाक रजिस्टर जां स्पीड पोस्ट थ्रू आप इन्हां नूं सेंड कर देनी है। बाकी इस फॉर्म को एक बार आप रीड कर लेने की इन्होंने एलिजिबिलिटी मंगी हुई है। सब तो पहले इतने अपना नाम फिल कर लेंगे, इधर साइड में इन्होंने थान दी हुई है। इस तो बाद अपने फादर या हसबैंड का नेम, इस तो बाद अपना जिहड़ा मूल निवास का प्रमाण पत्र होंदा वह, तो मोबाइल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, तो अपनी एज लिखनी है उरे, एंड अपनी कैटेगरी जो भी अपनी कैटेगरी है वह आप इतने लिख देंगे, और उस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी भी नाल लानी है। एंड इतने जो तुम ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाया हुआ है इकनोमिकली वीकर सैक्शन के अंडर आते हो तो उसका भी आप जिक्र करना है, तो उसकी फोटोकॉपी भी नाल लानी है। इस तो इलावा पैन कार्ड और अपना पहचान पत्र, ये वोटर कार्ड या आधार कार्ड भी ला सकते हो, एंड एक अपनी पासपोर्ट साइज फोटो इस फॉर्म नाल लानी है, और जो तुम एक्स सर्विसमैन हो तो इसका जिक्र भी आप इतने कर देंगे। एंड सब तो नीचे आप अपने सिग्नेचर करने ने, इतने जो भी थोड़ा नाम है उसके सिग्नेचर आप कर देंगे। जो तो ये फॉर्म में आप फिल कर लेने, तो डाकूमेंट सारा कुछ अपने इस फॉर्म के नाल आप फोटोकॉपी लगा के कंप्लीट प्रोसैस कर लेना। उस तो बाद आप बुक स्टोर पर जाना, उत्थे एक पोस्ट करन वाला एक लिफाफा मिलता, वह आप परचेज करना, तो सारे डाकूमेंट आप उस पा के उसनों बंद कर देना। तो उपर आप इतने इन्होंने मैनशन किया हुआ लिखना की है, जिहड़ी भी पोस्ट वास्ते तुसीं अपलाई कर रहे हो आवेदक का नाम लिखना, सब तो पहला जो भी अपलाई कर रहा अपना पता लिखना, तो मोबाइल नंबर लिखना और अपनी कैटेगरी लिखना है, एंड लिखना आप अपलाई फॉर पोस्ट ऑफ पीएन, तो अपना इतने जिले का नाम पढ़ देंगे, मतलब उपरी रैपर दे आप लिखना ये सब कुछ। आई होप दोस्तों तुहानू ये समझ आ गया होगा कि किवें ये फिल करना, किवें ये सेंड करना बाय पोस्ट। जब फिर भी कोई दिक्कत आती है तो वीडियो में कमेंट कर दो, मैं थोड़ी हेल्प जरूर कर देंगे। एंड अगर वीडियो बेनीफिशियल लगती है प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो।